दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट एक एक करके आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं या मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र की सेकंड वीडियो पर। तो देखिए, पहली वीडियो आप लोगों ने, मैंने सोचा, देखी होगी, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली अब जब हम अनुराधा नक्षत्र मतलब अपने सातवें नक्षत्र की सेकंड वीडियो पर आ गए हैं तो चर्चा करेंगे अनुराधा नक्षत्र का क्या सीन है, क्या मतलब है। देखिए, जैसे नाम से पता चलता है, अनुराधा मतलब अनुसरण करने वाला नक्षत्र। और दूसरी बात, अगर आप इसके सिंबल को देखोगे तो यहां दो सिंबल, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दोनों सिंबल इंडिकेट किए थे। एक तो देखिए वो दंड, जिसको हम जब तपस्या करते हैं, आपने ऋषियों को देखा होगा कि वो अपना हाथ रखने के लिए वो दंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो बात है ना कि हमारी जो तीनों नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, उसको बैलेंस करने का ये नक्षत्र होता है। दूसरी बात, अगर हम इसके दूसरे सिंबल की बात करते हैं, पहला सिंबल हमें क्या बताता है, जीवन में अनुशासन की बात करता है। दूसरा सिंबल है कमल का फूल। देखिए, कमल के फूल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि विपरीत परिस्थितियां भी इसको मिलती है, मतलब कीचड़ में इसका जन्म होता है। और देखिए फूल कैसा होता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा होता है। तो इस तरीके से इनके जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी आती है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र वाले लोग क्या होते हैं, कमल के फूल की तरह खिलने वाले लोग होते हैं। तो अब हम लोग इसके ऊपर कौन सा ग्रह, मतलब इस नक्षत्र का ग्रह कौन सा है, तो इस नक्षत्र पर निवास करने वाले जो ग्रह है वो है शनिदेव। और अगर हम इनके देवता की बात करें तो है मित्रा, मतलब शनिदेव आपको अपनी जो मेहनत वाली वो जो क्वालिटीज है वो प्रदान कर रहे हैं। और अगर हम इसके देवता की बात करते हैं तो वो आदित्य में कौन है, मित्रा, मतलब इन लोगों को अपने दोस्त बनाना, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बना सकते हैं। और इनके दोस्त बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, इनका एक बहुत बड़ा सर्कल भी होता है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मैंने इसको दोस्त बना लिया, अब ये मेरे से बात करना बंद कर रहा है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के प्रति एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जल्दी दोस्त बना लेते हैं। और किसने भी, मतलब आप ये सोच के चलो कि देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, तो इस तरीके का इनका नेटवर्क होता है, दोस्त बहुत ज्यादा इनके जल्दी बन जाते हैं। अब ये इनकी पॉजिटिव की निशानी भी है और थोड़ा नेगेटिव की पहचान भी है। क्या मतलब, जिसको ये अपना दोस्त बनाते हैं ये उसके बहुत, मतलब हर तरीके के दुख दर्द से भी जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए इनके जीवन से वो कहीं चला जाता है तो ये लोग उदास हो जाते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ आता है कि ये जो नक्षत्र है फ्रेंडशिप का नक्षत्र है। अब देखिए, ये सारी चर्चा हुई, अब जितनी क्वालिटी थी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। अब हम लोग चलेंगे इस नक्षत्र की थोड़ी बारीक जानकारी के अंदर। तो देखिए, जिस तरीके से हर नक्षत्र के चार चरण, इसके भी चार चरण है, तो इसके जो चारों के चारों चरण हैं वो वृश्चिक राशि में आते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहां से होती है, मतलब डिस्टेंस कहां से शुरू होता है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर और 6 डिग्री 40 मिनट तक पहला चरण होता है। पहले चरण का मतलब क्या है कि देखिए, जब किसी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब उनका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। और अगर हम प्रथम चरण की बात करेंगे तो चंद्रमा की डिग्री आएगी, मतलब वो कहीं ना कहीं 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच गोचर कर रहे थे, इसलिए हमें चरण मिला पहला चरण। तो पहले चरण को जो अक्षर मिलता है वो मिलता है ना। दूसरी बात करते हैं हम सेकेंड चरण की, राशि कौन सी रहेगी, वृश्चिक रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड चरण की, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है। और अक्षर कौन सा मिलता है, नी, और राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि है। तीसरे चरण की चर्चा करते हैं तो उसका डिस्टेंस या उसका पीरियड होगा 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी मतलब अगर किसी को तीसरा चरण मिलेगा तो उस समय चंद्रमा कहां से कहां तक चल रहे होंगे, 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। और अगर हम चौथे चरण की बात करते हैं, अक्षर मिलेगा इनको नू, और चौथे चरण की चर्चा करते हैं
उस समय 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक का टाइम होगा, मतलब ये इसका पीरियड होगा, डिस्टेंस होगा। अक्षर मिलता है ने। तो इस तरीके से ये चारों चरण मैंने आपको बताया किस किस तरीके से बटे होते हैं, इनका पीरियड क्या क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे जिन लोगों का जन्म पहले चरण में हुआ है वे लोग किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए ओवरऑल ये जो अनुराधा नक्षत्र है ये बेसिकली किस चीज का है, नक्षत्र किसकी ऊर्जा दे रहा है, नक्षत्र से ऊर्जा आती है शनि की, और अगर हम राशि की बात करते हैं तो राशि से ऊर्जा आ रही है मंगल की, और पहले चरण में जिनका जन्म हुआ है अगर हम उसके नवांश चार्ट की बात करते हैं तो ग्रह मिलता है, मतलब सिंह राशि में चला जाता है इसका नवांश चार्ट, और वहां से ग्रह मिलता है सूर्य। तो हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, सबसे ऊपर कौन सा लिखेंगे, नक्षत्र का ग्रह मतलब शनि, दूसरा जगह लिखेंगे हम शुक्र मंगल जो राशि से मिला, और तीसरी जगह लिखेंगे जो नवांश चार्ट से मिला यानी सूर्य। तो ट्रायंगल में ऊपर हो गया शनि, इधर हो गया मंगल, और इधर साइड हो गया सूर्य। तो जिन लोगों का जन्म पहले चरण में होता है उनके पास क्या है, शनि की मेहनत करने की पावर, और दूसरी बात यह है कि मंगल की एनर्जी तो पूरे के पूरे नक्षत्र में भरी हुई है, मतलब इनके अंदर काम करने की, अपने टारगेट को फोकस करने की, किसी भी चीज को करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। पहले चरण में सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य। तो देखिए अगर ये लोग किसी भी सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, अपने टारगेट को बनाते हैं तो उसको अचीव कर लेते हैं, किसी भी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं चले जाते हैं। ये लोग पहले चरण वाले लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे किसी भी चीज का अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये सफलता बहुत जल्दी हासिल करने वाले लोग होते हैं। और किसी भी चीज को आप देखोगे ना कि बड़ी बड़ी जॉब में, एक अच्छे बिजनेस में, ये सारी क्वालिटी कहां से आती है, पहले चरण वाले लोगों में होती है। फिर ये पॉपुलर भी होते हैं, मतलब अपनी फील्ड में पॉपुलर भी होते हैं, तो ये पहले चरण की एक बहुत पॉजिटिव चरण माना जाता है अनुराधा नक्षत्र का। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चरण की। देखिए सेकंड चरण के लिए क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि ऊर्जा किसकी आ रही है, ऊर्जा आ रही है शनि की नक्षत्र से, और राशि चारों के चारों चरण किसमें है, वृश्चिक राशि में, वहां से मंगल की ऊर्जा, मतलब आपके पास कोई ऊर्जा की कमी नहीं है। और अगर हम लोग बात करेंगे नवांश चार्ट की तो ये चला जाता है कन्या राशि में, और वहां से आता है बुध की एनर्जी। अब आप इस कॉम्बिनेशन को अगर समझ पाओ तो आप ये सोचिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर है तो वो सेकंड। कैसे, देखिए यहां पर बुध की ऊर्जा आ गई, मतलब माइंड से जितनी भी चीजें आप करते हो, सोचते हो, समझते हो, एकदम अचीव करोगे। दूसरी बात, शरीर में आपकी ताकत कहां से आती है, मंगल की, और शनि आपको मेहनत करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो ये वो चरण है कि जिसके अंदर देखिए अनुराधा नक्षत्र किस चीज के लिए खास जाना जाता है, रिसर्च के लिए जाना जाता है, ऑकल्ट साइंस के बारे में जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छे अंक शास्त्री भी हो सकते हैं, ये अगर चाहें तो सीए का एग्जाम या फिर कोई बड़ी मैनेजमेंट वगैरह को संभालना हो उससे संबंधित कोई एजुकेशन लेते हैं तो ये सारा नक्षत्र सेकंड चरण वालों के लिए सबसे बेस्ट है। अगर ये विदेश जाना चाहते हैं, देखिए अनुराधा नक्षत्र एक्चुअली क्या है कि ये विदेश की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे बहुत सारे ग्रह अनुराधा नक्षत्र में है, अभी मैं आपसे केवल बात क्या कर रहा हूं, जन्म के नक्षत्र की, मतलब चंद्रमा के नक्षत्र की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जैसे हम भारत में रह रहे हैं और अनुराधा नक्षत्र वालों को कहीं ना कहीं से कोई ऑफर मिलता है विदेश जाने का, तो ये पूरे चरण की खास बात है कि ये लोग विदेश में जाके आराम से चले जाते हैं और वहां पर सेटल भी हो जाते हैं। सेकंड चरण वालों के लिए खास तौर से मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, अकाउंट्स के, पैसा कैसे कमाना है, मास्टर होते हैं, अकाउंट्स में मास्टर होंगे, पैसे के मैनेजमेंट के मास्टर होंगे, किस तरीके से हमें कंपनी को या बिजनेस को आगे लेके जाना है, इस सब चीजों की मास्टरी किसमें होती है, सेकंड चरण, क्योंकि वहां ऊर्जा आ रही है बुध की। और अगर ये लोग विदेश जाना चाहते हैं तो आराम से विदेश भी चले जाएंगे और उनको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर ऑकल्ट साइंस में ये रिसर्च से जुड़ा हुआ भी, क्योंकि मैंने आपको बोला है नक्षत्र है, तो सेकंड चरण वाले लोग अगर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट में काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है सेकंड चरण की, पहले तो ये कोई ना कोई जॉब पकड़ लेंगे या किसी अच्छे बिजनेस में चले जाएंगे या किसी प्राइवेट जॉब के अच्छी पोस्ट को अचीव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ही खाली बैठने वाले लोग नहीं होते, क्योंकि यह बुध की एनर्जी है,
ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग को कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाते हैं, रिसर्च में लगाते हैं कि आफ्टर सम टाइम उसी रिसर्च के द्वारा ये दोबारा जाने जाते हैं। एक तो मैंने आपसे बोला जॉब में है, जॉब से अलग जो इनका समय होता है ये इन सारे कामों में लगाते हैं और फिर पब्लिक के सामने आते हैं और कि देखो जी ये तो रिसर्च मैंने की या मैंने, तो फिर ये क्या होता है, ये अपना नाम भी बहुत कमाते हैं। अब हम लोग देखिए चर्चा करेंगे तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो तीसरा चरण कहां से कहा था कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक। और आप देखोगे कि जो नक्षत्र से उड़ जा रही है शनि से आ रही है। अगर हम राशि की बात करते हैं कहां पर है, वृश्चिक राशि में मंगल की उड़ जा गई। अब तीसरे चरण में इसका नवाई शार्ट कहां चला जाता है, तुला राशि में चला जाता है। देखिए अब यहां पर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है और इनके पास जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर कौन है, शनि साइड में है, मंगल और है शुक्र। अब यहां पर जितने भी प्रकार के आपको देखिए जो मैंने आपको बोला था ना क्वालिटी क्या है, मित्र बनाने वाली, वैसे तो पूरे नक्षत्र में होती है लेकिन किस किस जगह किस किस तरीके से बढ़ती है हम उसको बारीकी से थोड़ा सा उसको देख रहे हैं। अब जब यहां शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ऐसे लोग क्या है, लव एंड रोमांस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इनके जितने भी ज्यादा दोस्त होंगे, बहुत सारे इनकी गर्लफ्रेंड्स होंगी या अगर स्त्री हैं तो उनके बॉयफ्रेंड्स होंगे। ये चीज मतलब जो पहली क्वालिटी तो इनकी मित्र बनाने वाली है, फिर दूसरी बात क्या है कि उनके साथ अच्छे से रहने की भी, मतलब जो आपका मित्र है जो भी आपके साथ रहता है उसके सुख दुख और दर्द हर तरीके की चीजों में आप इन्वॉल्व होगे, आप उनको अच्छी राय दोगे, आप उनके साथ समय व्यतीत करोगे। ये सब क्या है, रिलेशन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो थर्ड वाले नक्षत्र में आती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर शुक्र की वैभवता भी जुड़ेगी। शुक्र से क्या मतलब है, जब ये दोनों तीनों का जो चार्ट बनता है तो यहां पर ये लोग फोकस दोस्त बनाने में करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पैसा कमाने की तरफ ये लोग पूरी तरीके से फोकस करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी बड़े पद पर पहुंचूं और ये पहुंचते भी हैं। लेकिन इनके फ्रेंड सर्किल पूरे और नक्षत्रों की जो चरण है सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, तीसरे चरण में इनके लॉट ऑफ फ्रेंड्स होंगे, मतलब बहुत सारे इनके फ्रेंड्स होंगे। तो अगर मान लीजिए कि किसी बड़े काम में जा रहे हैं कुछ, तो इनके फ्रेंड्स इनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर अनुराधा नक्षत्र में क्या है, मित्रा इनकी जो देवता है मित्रा, ये तो आपको पूरी पावर मिली हुई है मित्र बनाने की, उनको आगे बढ़ाने की, खुद उनसे कोई ना कोई काम कराने की, ये ठीक है। लेकिन यहां पर तीसरे चरण में एक चीज आपको ध्यान जरूर रखनी है कि कभी कभी जब हम ऐसे मित्र भी बना लेते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा धोखा होने के चांस भी रहते हैं। तो तीसरे चरण में क्या होता है कि जब कभी कोई इनको छोड़ के चले जाता है तो ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। वैसे अगर मैं आपसे कहूंगा भौतिक सुख साधनों के लिए या किसी भी प्रकार के भौतिक सुख के लिए जो शुक्र प्रोवाइड कराते हैं, तीसरा चरण सबसे ऊपर माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे देखिए चौथे चरण की, और चौथे चरण की जब मैं आपसे चर्चा करूंगा तो उसका पीरियड कहां से कहां तक मैंने आपको बताया, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट में हम चौथे चरण में पहुंच गए। और नक्षत्र हमें कौन सा ग्रह दे रहा है, शनि दे रहा है। और अगर हम चरण की बात करते हैं तो देखिए राशि कहां जा रही है, वृश्चिक में, वहां से हमें कौन मिले, मंगल। और अगर हम नवाई शार्ट की बात करते हैं तो ये फिर मंगल की ऊर्जा यानी वृश्चिक राशि में पहुंच गए। तो ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा पावरफुल नक्षत्र हो गया। क्या हो गया, ऊपर शनि नीचे मंगल और इधर भी मंगल। तो यहां पर शनि की ऊर्जा दोनों किसको फैलाने को मिल गई, राशि से कौन आए, मंगल, और यहां नवाज चार्ट कहां चला गया, मंगल में। अब ऐसे व्यक्तियों के पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। देखिए लेकिन क्या है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स आप कैसे प्रकार से समझोगे, देखिए लगातार क्या है कि ये मित्र बनाने वाला नक्षत्र है, लोगों को आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है, खुद ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, विदेश से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो देखिए यहां पर या तो ये लोग बहुत डीप किसी रिसर्च में या एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी चीज में बहुत डीप जाकर अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है कि ये जो चौथा चरण है ना, एनर्जी अधिक होने की वजह से कभी कभी ये लोग क्या करते हैं,
कि ये सब कुछ छोड़ने को भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है जी हमें यहां पर नहीं रहना या घर छोड़ देना, इस तरीके की बातें भी होती हैं। लेकिन अगर चौथे चरण को हम पूरा फोकस करके देखते हैं तो देखिए सबसे स्पेशल पॉइंट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये दोस्त बनाते हैं या किसी भी प्रकार के कॉन्फ्रेंस में कहीं भी ये लोग जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, सारी चीजें मैंने ठीक कही आपसे, लेकिन यहां पर अगर कोई दोस्त इनसे रूठ गया या इनसे समझ लीजिए उसने बात करनी बंद कर दी तो ये झगड़ा भी करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब उससे ज्यादा जैसे एग्रेसिव हो जाते हैं ना, तो उस तरीके का भी चौथा चरण है। तो यहां पर सबसे बड़ी सलाह क्या है कि आपके पास ऊर्जा है और शनि यहां पर आपको क्या चीज दे रहा है, रिसर्च वर्क करने की सलाह दे रहा है। तो आप किसी भी फील्ड को चुनो तो जिसमें आपकी पूरी मेहनत लगे, क्योंकि ये नक्षत्र फोकस करने वाला भी है। और इस नक्षत्र की एक बात और भी है कि ये डिसीजन कभी कुछ लेते हैं कभी कुछ लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है अनुराधा नक्षत्र, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपको अनुसरण जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन का नक्षत्र है और ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, डीप में जाने का नक्षत्र है, तो जितनी भी चीजें हैं आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल चौथे चरण की अगर हम चर्चा को करते हैं तो क्या है कि यहां पर आपको अपनी एनर्जी को पूरा बैलेंस्ड करके चलना है। ये नहीं है कि अगर हमारे पास ऊर्जा ज्यादा है तो हम सामने वाले से लड़ने में उसको खराब कर दे। तो आपको यहां पर अपने को समझना है, हम किसी भी सेक्टर में जाएं अनुराधा नक्षत्र की तो ये वहां पर मेहनत से अपना नाम चमका लेते हैं। चौथे चरण में ये खास बात है। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे एक बिल्कुल अलग टॉपिक की, जिसमें क्या है कि मित्र नक्षत्र, अति मित्र नक्षत्र, शत्रु नक्षत्र और अति शत्रु नक्षत्र, ये क्या है। देखिए ओवरऑल क्या है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बात करते हैं तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि व्यावहारिक तौर से अगर हम उससे बात करें तो सबसे पहले उसका नक्षत्र पूछे, जी आपका नक्षत्र कौन है तब हम आपसे बात करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरा कहने का यहां मतलब सिर्फ ये है कि जो हमारे हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, अब ये तो मित्र वाला ही नक्षत्र है, तो आपको ये देखना है कि हमारे मित्र नक्षत्र का मतलब कौन सा है कि वो हमारे क्या है, वेल विशर हैं या कहिए शुभ चिंतक है। और अगर हम अति मित्र की बात करते हैं तो अति मित्र क्या हो जाता है कि हमारे शुभ चिंतक से भी ऊपर की श्रेणी वाले लोग, यानी कि जो कि आप कोई भी कार्य करते हो, किसी भी प्रकार का आप कोई भी काम करते हो, ये लोग आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले लोग होते हैं। आपको किसी भी समय अगर अपना कोई विचार इनसे शेयर करना है, कोई हेल्प लेनी है, तो हमारा अति मित्र नक्षत्र वाले लोग बहुत जल्दी हमारे साथ काम करते हैं, तो इनको अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, शत्रु नक्षत्र की अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं तो देखिए शत्रु नक्षत्र का कंसेप्ट क्या है, जिस तरीके से हमारे शुभ चिंतक होते हैं उसी तरीके से कोई ना कोई हमारा अशुभ चिंतक, मतलब देखिए विरोध ही विचार, मतलब कोई भी बात अगर आप कहोगे तो वो तुरंत आपसे सहमत नहीं होंगे। शत्रु नक्षत्र का होना भी बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं होता कि आप जो भी कहते जाए दूसरा आपके हाँ में हाँ मिलाता जाए, ऐसा नहीं। शत्रु नक्षत्र से सिर्फ आप इतना मतलब समझो कि जैसे मैंने मित्र नक्षत्र के बारे में आपसे चर्चा करी कि वो जो आप कहोगे वो मानेंगे, अच्छा आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये लोग जो शत्रु नक्षत्र वाले कहीं ना कहीं इफ एंड बट जरूर लगाएंगे आपकी बात पे, तो आपको उस चीज को सोचना भी है समझना भी है। हो सकता है कि आप 100% सही ना भी हो तो एक बार विचार करने में कोई बात नहीं होती। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आपसे अति शत्रु नक्षत्र के बारे में। तो देखिए अति शत्रु नक्षत्र में एक चीज है कि हम यहां पर मैरिज वगैरह भी नहीं करने की मैं कम से कम सलाह नहीं देता। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो अति शत्रु नक्षत्र में हमारे लोग आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हम उनके साथ कितने भी अच्छा व्यवहार करें लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे प्रति अच्छे विचार नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ आपसे शिकायत हमेशा ही रहती है। तो ये हमारे शत्रु अति शत्रु नक्षत्र वाले लोग होते हैं। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे मित्र नक्षत्र में कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे इनके मित्र नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो शतविषा, आद्रा और स्वाति, शतविषा, आद्रा और स्वाति आप नोट कर सकते हैं, शतविषा, आद्रा और स्वाति इनके मित्र नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे आपसे अति मित्र की तो पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्र
इनके अतिमित्र नक्षत्र में आते हैं। और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ता जाता है, तो अगर हम अतिमित्र की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र वाले लोग इनके अतिमित्र की श्रेणी में आते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे शत्रु नक्षत्र की, तो देखिए आपके लिए उत्तराषाढ़ा कृतिका और मघा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा कृतिका और मघा नक्षत्र इनके किस में आते हैं, शत्रु नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके अति शत्रु। देखिए मैंने आपसे बोला शत्रु नक्षत्र में कोई भी बात आप रखते हो तो कोई ना कोई आपको आपकी बात को तुरंत नहीं मान लेंगे, इस तरीके की बात होती है, तो वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग करने बनाने की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे अति शत्रु नक्षत्र की, तो घनिष्ठा मृक्षरा और चित्रा, घनिष्ठा मृक्षरा और चित्रा नक्षत्र इनके अति शत्रु श्रेणी में, अति शत्रु नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम मतलब बात करेंगे तो वो चित्रा नक्षत्र होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जीवन साथी का चुनाव। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके अभी विवाह नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो अनुराधा नक्षत्र वाले लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, भक्ति से जुड़े हुए लोग होते हैं, विदेश जाने की प्रबल इच्छा इन लोगों के अंदर होती है, मेहनत करने वाले लोग होते हैं और सब चीजों में एक बात फोकस करते हैं किसी चीज में। तो ये सारी बातें उनकी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो अगर किसी लड़के का नक्षत्र है अनुराधा तो हमें किस तरीके की लड़की लेनी है, अगर किसी लड़की का नक्षत्र है अनुराधा तो हमें किस प्रकार का बॉय चूज करना है, इस तरीके की बात। देखिए इनके अंदर ये डिजायर होती है, ये चीज आप समझिए, यहां पर इनके अंदर इसकी बहुत डिजायर होती है कि मुझे मेरा जीवन साथी ना बहुत अच्छा चाहिए। इनके अंदर ये चीज है, हर चीज चाहिए उसके अंदर, मतलब पैसे वाला भी हो, मतलब अगर लड़का देख रहे हैं तो पैसे वाला लड़का हो, इस टाइप, मतलब इनकी ये सोचनी है, सोच है इनकी। अगर ये लड़का भी है ना तो भी इनकी सोच यही रहेगी कि चाहे थोड़ा सा देखने में सुंदर कम हो लेकिन लड़की पैसे वाले घर की हो। इसी तरीके का इनका जो लड़कियों का सोच है उनकी भी एक यही सोच होगी कि वो लड़का जो है बहुत अच्छा पैसे वाला हो, वेल सेटल्ड हो, मुझे ऐसा रखे वैसा रखे। तो ये इनके नक्षत्र की ऊर्जा है। तो सबसे पहले तो आप ऊर्जा को समझो कि भाई ऊर्जा है किस प्रकार की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे नक्षत्र हैं कि जिन पर इनका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी बैलेंस होती है। तो देखिए पहला नक्षत्र है इनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है इनका रोहिणी नक्षत्र। ये वो दो नक्षत्र हैं कि जो इनके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया नक्षत्र माने जाते हैं। इसके अलावा हस्त नक्षत्र की भी आप देखेंगे, रोहिणी नक्षत्र भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये वो चीज है, रोहिणी नक्षत्र हो गया और श्रवण नक्षत्र भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। तो ये वो चीज है कि जो मैंने आपको बताई कि इन सारे नक्षत्रों में भी अगर आपको दो नक्षत्रों के बारे में बताऊं सबसे बेस्ट कौन से हैं, तो इनके लिए उत्तरा फाल्गुनी और रोहिणी नक्षत्र इनके लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके बाद श्रवण भी आता है, रेवती भी आता है, ये सारे नक्षत्र, और हस्त नक्षत्र भी आता है। तो ये भी इनके लिए एक अच्छे नक्षत्र माने गए। देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, इन लोगों की मैरिज इनकी पसंद से करनी चाहिए। अगर इनको पसंद नहीं है कोई लड़का तो आप उसके ऊपर, मैं घर वालों की बात कर रहा हूं, मतलब थोड़ा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, इन लोगों की जो पसंद है ना वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दी कि इस तरीके की पसंद है, कि चाहते क्या है। इनसे जरूर पूछे कि भाई आप क्या चाहते हो, ये लड़का आपको पसंद है या नहीं, ये लड़की आपको पसंद है या नहीं, क्योंकि इनके विचार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके के विचार होते हैं। तो हम लोगों को जैसे जो गार्जियंस है उनको क्या करना होगा, थोड़ी इनकी हेल्प करनी, इनको स्वतंत्रता भी देनी होती है कि आप देखो क्या है, अपने विचार आप रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि इनको विचार अगर आपने इनके अपोजिट में रख दिए तो इनको बुरा लग जाता है। तो इस तरीके की थोड़ी सी बातचीत भी इसमें देखी जाती है, जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई मित्र बनाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो इनकी ये पॉजिटिव निशानी भी हो जाती है और कभी कभी इससे धोखा भी बहुत जबरदस्त खा जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। देखिए अब हम लोग चलेंगे कि कौन सा मतलब जॉब अच्छा है इनके लिए या किस बिजनेस में जाना चाहिए। तो एक चीज तो आपने समझ ली होगी कि टोटल ओवरऑल ये एनर्जी किस प्रकार की है। देखिए रिसर्च करने वाले लोग हैं किसी भी चीज को, अकाउंट्स में, मैनेजमेंट में, या फिर आप ये समझिए पब्लिक से रिलेशन बनाने वाले, जैसे कोई फेसबुक में काम कर रहा है,
कोई इंस्टाग्राम में काम, मतलब कुल मिलाकर जहां पर पब्लिक को जोड़ना हो आपस में, या फिर आप ये देखते हो कि विदेश से संबंधित जैसे एयरलाइंस में कोई काम करना है या पासपोर्ट वाले ऑफिस में काम करना हो, इस तरीके की सारी ऊर्जा किसमें है? अनुराधा नक्षत्र के अंदर है। सीधे सीधे ये मत बोल दीजिए कि पता चला शनि से जुड़े हुए काम कीजिए, नहीं, यहां पर शनि की ऊर्जा आपको क्या दे रही है? रिसर्च की एनर्जी दे रही है, आपस में कनेक्शन की एनर्जी दे रही है, प्यूपल्स को जोड़ने की एनर्जी दे रही है। तो ये सारे क्षेत्र जो भी हो आपकी निगाह में, आप उसके अंदर जॉब या बिजनेस कर सकते हैं, पब्लिक रिलेटेड कोई काम जहां पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का आप काम कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्रीज भी आपके लिए आती है, ये बहुत सारी चीजें। तो देखिए, जब मैं आपसे बात करूंगा पहले चरण की, तो पहले चरण में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो किसकी आ गई? सूर्य की। यहां शनि और मंगल कॉमन रहेंगे सब में, लेकिन नवांश चार्ट बराबर चेंज होता रहता है, तो वहां पर ऊर्जा किसकी आ रही है? सूर्य की ऊर्जा आ रही है। सूर्य की ऊर्जा का मतलब क्या है? सूर्य की ऊर्जा का सीधा मतलब यह है कि आप किसी भी काम को करोगे, गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाओ, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ, किसी भी चीज में चले जाओ, आपके अंदर क्वालिटी किस चीज की? पढ़ने की और आगे बढ़ाने की, किसी भी बिजनेस को, किसी भी जॉब में आगे बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा देखी जाती है। केवल एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर होता है कि व्यक्ति अपने से अलावा किसी को कुछ समझता ही नहीं। कि रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य की एनर्जी क्या करती है? हमारे अंदर थोड़ा अहंकार भी लाती है। तो इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो आप लोग बैलेंस कीजिए। और बाकी अगर पहले चरण की बात करेंगे तो बड़े बड़े जॉब्स में जा सकते हैं। दूसरे चरण में जो ऊर्जा व्यक्त होती है वो बिजनेस रिलेटेड है। आप किसी भी तरीके के व्यापार में, रिसर्च में कहीं भी जाइए, आपको सफलता मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि यहां बुद्धि का उपयोग हो गया। जो सामने वाला चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करके दिखाते हो, जो सामने वाले को पसंद है वो करते हो, तो ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत कमाता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ऑकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं, या फिर जैसे अंक ज्योतिष वगैरह के भी बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। तो ये सारी साइंस इसके साथ जुड़ी हुई है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं सेकंड चरण वाले। अगर ये जॉब में जाना चाहते हैं तो अच्छी जॉब में भी जाएंगे, जॉब के अतिरिक्त क्या करेंगे, साइड बिजनेस भी करेंगे। ये सारे टैलेंट सेकंड वाले में होते हैं। तीसरे और फिर लोग जब ये अपनी फील्ड के सेकंड चरण वाले ना मास्टर हो जाते हैं, इनसे लोग सलाह लेने आते हैं, उसका भी पैसा लेते हैं लोग। फिर तीसरी बात करेंगे तीसरे चरण वालों की, तो तीसरे चरण में जो ऊर्जा आती है वो शुक्र की एनर्जी आती है। तो ये वो रिलेशन है शुक्र की ऊर्जा, जिसमें मैंने आपको बोला कि आप किसी ऐसी जगह पर काम करो जहां पब्लिक्स को जोड़ने का काम होता है, मतलब रिलेशनशिप वाली बातचीत है वो सेकंड चरण में। तो जितनी होटल इंडस्ट्री आ गई, फेसबुक हो गया, मीडिया से जोड़ने वाली चीजें हो गई, सब तीसरे चरण में आती है। चौथे चरण में मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि यहां पर ऊर्जा मंगल की है, और ये मंगल की ऊर्जा शनि के साथ किस प्रकार से व्यक्त होती है, थोड़ा सा इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पर इन लोगों को सलाह यह है कि ये अच्छे जिस फील्ड में भी एजुकेशन लेते हैं उस फील्ड में रिसर्च करें और आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज हुई। और देखिए, ये अनुराधा नक्षत्र की सेकंड वीडियो है, और मैं आपसे लगातार क्या कह रहा हूं कि ये नक्षत्र अनुसरण करने वाला भी है, और ये नक्षत्र मेडिटेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला भी है। तो अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल जो मेडिटेशन से संबंधित है वो ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।